एवरीवन, मैं हूँ स्वाति। राज जो एडिटोरियल्स टॉपिक मैंने पिक किए हैं उसमें सबसे पहले जो है ETAGS है, दैट इज़ एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम, जिसे बनाया DRDO के द्वारा गया है। और ये गन है जो कि एडवांस वर्जन है, जो कि इंडियन आर्मी में इंडक्ट की जाने वाली है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डील करता है सेकेंड सिक्स शेड्यूल से डील कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द इंटीग्रेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट विद द रेस्ट ऑफ द इंडियन मेन लैंड। तो क्या क्या स्टेप्स उठाए गए और किस इंसर्जेंसी जो अब तक फेस की है नॉर्थ ईस्ट में की गई है नागास के द्वारा एंड वेरियस अदर ग्रुप्स के द्वारा, उन और किस तरीके से उनको एक पीस सेटलमेंट देने की कोशिश की जा रही है, दैट कैन बी अ लॉन्ग लास्टिंग वन, और किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स उठाए टू इंटीग्रेट देम विद द रेस्ट ऑफ द इंडियन मेन लैंड नॉर्थ ईस्ट को। तो किस तरह से सिक्स शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया था, इसके बाद जो है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का गठन किया गया, इसके बाद जो है डोनर जो स्पेसिफिक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ ईस्ट जो है वो बनाई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा बनाई गई। तो ये सब उसमें डील किया गया है और क्या स्टेप्स उठाए गए हैं, क्या क्या वहाँ पे कॉज ऑफ कंसर्न है। अफ्सपा जो एक्ट लेके आए थे उसको किस तरीके से ह्यूमनाइज बनाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, या तो उसे रिपील किया जाए या उसे ह्यूमनाइज बनाया जाए। तो इसके बाद जो टॉपिक है वो पिन कोड के ऊपर है। तो अभी हमारे कंट्री 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जब मना रहा है, तब एट द सेम टाइम जो पोस्टल डिपार्टमेंट है वहाँ जो पिन कोड है उसे 50 ईयर्स हुए हैं। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 से की गई थी, जिस जो डिलीवरी मैकेनिज्म है उसे और सॉर्टिंग ऑफ द मेल्स है उसे ईजी बनाने के लिए की गई थी। तो ब्रेन चाइल्ड किसका था ये वहाँ पर बताया गया है। तो देख लेते हैं हमारे जो टॉपिक्स हैं उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या फैक्ट्स हमें कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू आर वेरियस एग्जाम्स। सो टुडेज़ इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स जो पिक किए हैं उसमें सबसे पहले है एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS। ये ATAGS क्या है, तो इंडियन आर्मी ने अभी इंडक्ट किया है लॉन्ग दिस ATAGS को, एंड दीज आर द कैलिबर गन्स टू कीप पेस विद द वर्ल्ड वाइड ट्रेंड ऑफ आर्टिलरी गन्स। एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम जो है ये पूरी तरीके से इंडिजीनियस है। जो इसकी हम अगर फीचर्स की बात करें, पूरी तरह से इंडिजीनियस है, इसे DRDO ने बनाया है। और दिस इज़ इन एज अ पार्ट ऑफ द आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंडर से बनाया गया है DRDO के द्वारा। ATAGS जो है दिस इज़ अ मेड इन इनिशिएटिव बाय DRDO इन डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन्स। तो ये क्या है, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन्स हैं फॉर द इंडियन आर्मी, एंड दिस इज़ कम्प्लीटली एन इंडिजीनियस डेवलपमेंट एफर्ट। The development of ATAGS is a mission to build capacity and infrastructure for modern gun system and create a national resource for the capacity to build the most advanced gun system worldwide. The development of this ATAGS is to build the capacity building ko enhance karna hai, isme infrastructure banana hai modern artillery, modern gun system ke liye modernization karna hai artillery ka। तो ये जो ATAGS है इसको डेवलप किया है DRDO ने, बनाया है इसे, एंड इसमें जो DRDO ने बनाया है विद इट्स पुणे बेस्ड फैसिलिटी कौन सी, आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट, जो कि यहाँ पे एक नोडल एजेंसी के तौर पे काम कर रही है इसे बनाने में। सो दिस ATAGS इज़ एन इंडिजीनियस कैलिबर होविट्जर गन डेवलप बाय द DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स पुणे बेस्ड फैसिलिटी आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट बींग द नोडल एजेंसी। ये जो ATAGS प्रोजेक्ट है इसे स्टार्ट किया था 2013 में DRDO ने, जिससे कि जो ओल्डर गन्स हैं उनको रिप्लेस किया जा सके इन द इंडियन आर्मी विद अ मॉडर्न 155 mm आर्टिलरी गन्स। देन दिस ARDE जो है, जो नोडल एजेंसी है इसे बनाने में, ARDE दैट इज़ आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, दे कोलेबरेटेड विथ द भारत फौज लिमिटेड एंड टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज स्पेशलाइज गन। तो ये जो ERDE है इन्होंने कोलेबरेट किया भारत फौज लिमिटेड और टाटा एडवांस सिस्टम के साथ इन गन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। फिर ये 2013 से प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, 2016 में द की माइल स्टोन वॉज अचीव्ड वेन द प्रूफ फायरिंग ऑफ ATAGS वॉज कंडक्टेड ड्यूरिंग द टेक्निकल ट्रायल्स। देन इन 2017 में एक रिकॉर्ड टारगेट रेंज ऑफ अराउंड 48 किलोमीटर वॉज अचीव्ड की गई एट पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज। देन इसके बाद इसमें काफ़ी ट्रायल्स किए गए एंड द सिस्टम इज़ करंटली अंडरगोइंग एन इवैल्यूएशन। अभी जो प्रोजेक्ट है, ये जो पूरा सिस्टम है इसका इवैल्यूएशन किया जा रहा है डायरेक्टरेट जनरल क्वालिटी अश्योरेंस DGQA के द्वारा
मार्किंग इट्स फाइनल स्टेज बिफोर आर्मी प्लेसेज इट्स ऑर्डर फॉर इट. तो फाइनल स्टेज में है, मतलब आर्मी इसको फिर इंडक्ट कर लेगी. अभी इसका इवैल्यूएशन किया जा रहा है इसका. एंड DGQA जो है वो क्या है, जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस है. यहाँ पे एक टर्म आई है तो हमें पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है. दिस डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस ये नोडल एजेंसी है जो कि क्वालिटी चेक करती है, क्वालिटी अश्योरेंस ऑफ ऑल दी आर्म्स एमिनेशन इक्विपमेंट्स एंड स्टोर सप्लाई टू द आर्म्ड फोर्सेज. दिस ATAGS सिस्टम जो है ये इक्विप्ड है विद द इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम है इसके अंदर, कंसिस्टिंग ऑफ एन इनर्शियल लैंड नेविगेशन बेस्ड ऑटोमेटिक गन अलाइनमेंट एंड पोजिशनिंग सिस्टम, मजल वेलोसिटी रडार एंड अ बैलिस्टिक कंप्यूटर टू कैरी आउट द ऑनलाइन कंप्यूटेशन. ये जो गन सिस्टम है ये ऑल्सो दिस ATGS गन सिस्टम ये ऑल्सो इंटीग्रेटेड है विद द थर्मल इमेजर टू इम्पार्ट नाइट फायरिंग केपेबिलिटी इन डायरेक्ट फायर मोड. अब ये जो गन सिस्टम है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ATAGS जो है इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं. तो जो रेंज अचीव की है ATAGS ने वो हाईएस्ट एवर रेंज अचीव बाय एनी आर्टिलरी गन इन दिस कैटेगरी. इस कैटेगरी में आने वाली किसी भी और गन के द्वारा जो अब तक हाईएस्ट अचीव की गई है रेंज, वो ATAGS के द्वारा ही की गई है. सो द रेंज अचीव बाय ATAGS इज हाईएस्ट एवर रेंज अचीव्ड बाय एनी आर्टिलरी गन सिस्टम के द्वारा. आर्टिलरी गन सिस्टम ने जो अब तक सबसे हाईएस्ट अचीव किया है वो ATAGS के द्वारा की गई है रेंज. देन 48 किलोमीटर रेंज अचीवेबल बाय इन सर्विस एमिनेशन इज पॉसिबल बाय ATAGS. इन ऑल द इलेक्ट्रिक ड्राइव्स इन द गन सिस्टम आर द फर्स्ट यूज एंड डेमॉन्स्ट्रेटेड इन एनी ATAGS. इसमें इलेक्ट्रिक ड्राइव्स जो सिस्टम ये जो यूज़ हुई हैं ये फर्स्ट टाइम यूज़ हुई हैं. So all electric drives in the gun system are first used and demonstrated in ATAGS and tried nowhere till date. Mobility of 20 km per hour is comparable with the guns available in this category world over. इसके अलावा ATAGS जो है इसने अचीव की है वर्ल्ड रिकॉर्ड माइलस्टोन ऑफ अटेनिंग द हाईएस्ट एवर रेंज ऑफ 38.5 किलोमीटर एंड 48 किलोमीटर विद इन सर्विस एमिनेशन एज कंपेयर टू 30 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर बीइंग अचीव बाय कंटेम्प्रेरी आर्टिलरी गन्स वर्ल्ड वाइड. इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड्स में भी इसका जो है इसकी टेस्टिंग चल रही है कि वेदर कैन वर्क इन द हाई एल्टीट्यूड्स और नॉट. तो रिसेंटली दीज गन्स हैव ऑल्सो सक्सेसफुली अंडरगॉन मोबिलिटी एंड फायरिंग ट्रायल्स किए गए हाई एल्टीट्यूड एरिया में. सिक्किम फील्ड फायरिंग रेंज में इसका जो है ट्रायल किया गया इन 2018. सो द नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें है वो है फ्रेजिलिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंटीग्रेशन. नॉर्थ ईस्ट की इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में क्या फ्रेजिलिटी है, ये जो टाइटल है ये जो आर्टिकल है ये हिंदू में आया था. तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है हमें पता होनी चाहिए. यहाँ पे इस आर्टिकल में कहा ये लिखा गया है कि जो इंटीग्रेशन है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का हमेशा से एक कंसर्न रहा है कि कैसे उसे मेन स्ट्रीम इंडियन लाइफ के अंदर इंटीग्रेट किया जा सके. द इंटीग्रेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इनटू मेन स्ट्रीम इंडियन लाइफ हैज़ बीन ऑन अ नेशनल एजेंडा फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ इंडियाज़ जर्नी एज एन इंडिपेंडेंट नेशन. जब से हमें एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर हमें इंडिपेंडेंस मिली तब से हमारे एजेंडा में कि किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट को हम मेन लैंड इंडिया के साथ जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं इस रेस्पेक्ट में. The region has always been seen somewhat alien and needing assimilation, which found and finds reflection in administrative terms too. तो हमारे यहाँ पे फिर हमने 6th शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो इंट्रोड्यूस किया 1949 में इंट्रोड्यूस किया गया था. 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में आया था. एंड ड्रेकोनियन आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट जो अफ्सपा एक्ट है दैट इज आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ ईस्ट लाया गया था 1958 में, इसको प्रोमलगेट किया गया था. नाउ अभी हम देखते हैं कि कितना सक्सेसफुल हुए हैं जो स्टेप्स उठाए गए विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ ईस्ट एंड इंटीग्रेटिंग देम. 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के वक्त पे अगर हम एनालाइज करें कि जो स्टेप्स उठाए गए क्या वो सच में इंटीग्रेट कर पाए हैं ये जो रीजन है नॉर्थ ईस्ट का इसको विद द रेस्ट ऑफ द इंडिया, तो देखते हैं हम. तो एक्सक्लूडेड एरियाज की बात करें तो जो ब्रिटिश जब हम ब्रिटिश एरा की बात करते हैं तो दिस एंटिटी वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिल रीजन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड अपर वर्मा. जो गवर्नर थे आसाम के रॉबर्ट रीड, उन्होंने एक 22 पेज का एक डॉक्यूमेंट लिखा था 1937 में जिसका टाइटल था अ नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ प्रेजेंट एक्सक्लूडेड पार्शियली एक्सक्लूडेड एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम. उसमें उन्होंने ये कहा था कि बाई सेइंग द पीपल हेयर इन लो जो नॉर्थ ईस्टर्न पीपल हैं उनके लिए कहा था नीदर रेशियली हिस्टोरिकली कल्चरली और नॉन लिंग्विस्टिकली हैड एनी एफिनिटी विद द रेस्ट ऑफ द इंडिया.
ये गवर्नर थे असम के, रॉबर्ट रीड। इन्होंने एक डॉक्यूमेंट लिखा 1937 में जिसका टाइटल था अ नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ द प्रेजेंट एक्सक्लूडेड पार्शियली एक्सक्लूडेड ट्राइबल एरियाज ऑफ असम। और उसमें उन्होंने कहा था कि दीज पीपल आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ एफिनिटीज विद द रेस्ट ऑफ द इंडिया इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकली, कल्चरली, लिंग्विस्टिकली और रेशियली। देन देर वर अदर सिमिलर थाट, कुछ ऐसे ही विचार व्यक्त किए थे डेविड आर सीले ने इन इस डॉक्यूमेंट, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट लिखा डेविड आर ने, दैट वॉज जो नाम था उस डॉक्यूमेंट का वो था ऑन द एज ऑफ एम्पायर फोर ब्रिटिश प्लान्स फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया 1941 to 1947। ये उनका डॉक्यूमेंट था, जो टाइटल उस डॉक्यूमेंट का था ऑन द एज ऑफ एम्पायर फोर ब्रिटिश प्लान्स फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया 1941 to 1947। ये जो विचार रखे डेविड डेविड आर ने वो सिमिलर थे जो हमने अभी पढ़े थे, जो गवर्नर ऑफ आसाम रॉबर्ट रीड ने रखे, कुछ वैसे ही विचार उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में लिखे थे। नाउ दीज एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज, रीड ने जो मेंशन किया था उनके टाइटल में एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज, ये कौन से एरियाज की बात की गई है? ये कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं लार्जली अन एडमिनिस्टर्ड हिल्स ऑफ आसाम की बात की गई थी, अन एडमिनिस्टर्ड हिल ऑफ आसाम जो कि सेपरेट हुए फ्रॉम इट्स रेवेन्यू प्लान बाय इनर लाइन क्रिएटेड बाय ईस्टर्न बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873। तो एक रेगुलेशन आया था, दैट वाज द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873। उसमें कॉन्सेप्ट आया था इनर लाइन का, एंड बाय दैट इनर लाइन के उससे ये जो अनएडमिनिस्टर्ड हिल ऑफ आसाम है वो सेपरेट हुए थे फ्रॉम इट्स रेवेन्यू प्लान। एंड दिस वॉज अ ईयर बिफोर आसाम वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल मेड अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस। पहले आसाम जो था वो एनेक्स किया था ब्रिटिश बंगाल में आफ्टर फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर 1824 to 1826 में हुआ था, उसके बाद ये जो है आसाम एनेक्स हो पाया था ब्रिटिश बंगाल के अंदर आफ्टर फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर 1824 to 1826। एंड साइनिंग हुई थी, फिर एक ट्रीटी साइन की गई थी, ट्रीटी कौन सी थी? येंदाबो ट्रीटी थी, उसके बाद एनेक्स हुआ था ये। अब सिक्स शेड्यूल की बात करते हैं, देखते हैं किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ। तो ब्रिटिश असम जो हुआ करता था, जब ब्रिटिश असम की हम बात करें तो उसमें पूरा नॉर्थ ईस्ट आया करता था, सिर्फ दो किंगडम्स को छोड़ दें अगर हम, त्रिपुरा और मणिपुर, जो आज का पूरा नॉर्थ ईस्ट है वो ब्रिटिश असम हुआ करता था, एक्सक्लूड कर देंगे इसमें से हम त्रिपुरा और मणिपुर को। ये जो किंगडम थे टू, यहाँ पे कोई इनर लाइन, जो इनर लाइन था उसे इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था यहाँ पे। इन दीज किंगडम्स टू दोनों इनर लाइन वाज इंट्रोड्यूस, द ब्रिटिश ब्रॉट इन सिमिलर एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म सेपरेटिंग एक्सक्लूडेड हिल्स फ्रॉम द रेवेन्यू प्लेन्स। इन त्रिपुरा द प्लेन्स ऑफ चकला रोशनाबाद वर एनेक्स टू ब्रिटिश बंगाल। जो त्रिपुरा में जो प्लेन्स थे रोशना दिस चकला रोशनाबाद, ये एनेक्स किए गए थे ब्रिटिश बंगाल के अंदर। हमने बताया कि ब्रिटिश बंगाल में पहले त्रिपुरा मणिपुर नहीं था, तो वेन त्रिपुरा में जो प्लेन एरिया था, प्लेन्स था चकला रोशनाबाद, वो एनेक्स किया गया ब्रिटिश बंगाल में, तब त्रिपुरा किंग को अलाउ किया गया एज अ लैंड ओनर, लेकिन सोवरेनिटी नहीं रहेगी उनकी। त्रिपुरा किंग्स वर अलाउड टू बी लैंड ओनर्स देयर, बट देयर वाज नॉट, दे कैन नॉट क्लेम सोवरेनिटी ओवर दीज एरियाज। मणिपुर में फिर हिल एंड द सेंट्रल रेवेन्यू प्लेन्स ऑफ इम्फाल वैली केम टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स के तौर पर ट्रीट किए जाने लगे 1907 में। ये जो सिक्स शेड्यूल था, ये इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला पहला इंस्ट्रूमेंट था, जो कि फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रूमेंट था फॉर अनडिवाइडेड असम ट्राइबल बेल्ट। ये जो शेड्यूल था इसमें मैंडेट किया, फॉर्मेशन बने, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट कंसिल्स बनाई गई इन रीजन्स के लिए, इन विच अमंग अदर ट्राइबल कस्टमरी लॉस को लेगिटिमेसी दी गई। यहाँ पे जो ट्राइबल कस्टमरी लॉस थे उनको उनको लेगिटिमेसी दी गई, उनको लीगल माना गया। और यह जो इंस्पिरेशन आई थी सिक्स शेड्यूल बनाने की, ये कहाँ से आई थी? तो एक ब्रिटिश बॉर्न इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए वेरियर एल्विन, उन्होंने एडवोकेट किया था इसको, उन्होंने एनकरेज किया था कि जो ट्राइबल्स हैं, दे ट्राइबल्स टू बी एनकरेज टू लिव अप बाय देयर जीनेसिस वेर इट्स इंस्पिरेशन इन क्रिएटिंग दिस सिक्स शेड्यूल। तो वहाँ से इंस्पिरेशन आई थी कि जो इनका इवोल्यूशन जो इनका होना चाहिए वो इनके ही लॉज, जो कस्टमरी लॉज हैं उनको वैधता देनी चाहिए, उनको यहाँ पर लेगिटिमेसी देनी चाहिए। फिर नागा इंसर्जेंसी की शुरुआत कैसे होती है एरिया में? तो जो नागा हिल्स थे रिफ्यूज़, उन्होंने सिक्स शेड्यूल को मानने से इनकार कर दिया था और वो डिमांड कर रहे थे सोवरेनिटी। फिर पावरफुल इंसर्जेंसी की वजह से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी बढ़ गई थी क्षेत्र में, तो अफ्सपा जो एक्ट था उसको लागू किया गया, और अफ्सपा एक्ट की वजह से आर्म्ड फोर्सेस को बहुत ज़्यादा पावर्स दे दी गई। एज एन ओवरचर ऑफ पैसिफिकेशन, पैसिफिकेशन के चलते पैसिफाई करने के लिए नागा हिल डिस्ट्रिक्ट जो थी उसे मर्ज कर दिया गया विद द एडजेसेंट मॉन एंड त्यूसांग सब डिवीजन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी टू फॉर्म अ सेपरेट नागालैंड स्टेट बनाया जा सके, और ये बना 1963 में।
नागा इंसर्जेंसी जो है दैट इज़ रैंक्ड क्वाइट हाई एंड पिछले 25 सालों से 25 ईयर्स हो चुके हैं जो पीस नेगोशिएशंस चलती रहती हैं और एक सेटलमेंट की जो है कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे कोई सेटलमेंट क्या आ जा सके जो कि लॉन्ग लास्टिंग रहे. अब रीऑर्गनाइजेशन ऑफ द स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया किस तरीके से हुआ था, तो 1972 में जो मोस्ट ऑफ दीज ऑटोनॉमस रीजन थे वो बाइफरकेट किए गए असम में से. पहले तो सिर्फ असम ही था, हम जब ब्रिटिश एरा में हम देख रहे थे तो ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है असम ही था. तो यहाँ पे फिर 1972 में जो ऑटोनॉमस रीजन है बाइफरकेट किए गए फ्रॉम द असम, मेघालय को स्टेट बनाया गया और अरुणाचल प्रदेश मिजोरम जो शुरू में बने थे वो यूटीज़ बने थे, यूनियन टेरिटरीज थे. 1987 में इन दो को स्टेटहुड की जो स्टेट है वो बना दिया गया. त्रिपुरा मणिपुर वर मेड द पार्ट ऑफ द पार्ट सी स्टेट आफ्टर द मर्जर विथ इंडिया इन 1949 एंड वर ऑल्सो अपग्रेडेड टू स्टेट 1972 में. त्रिपुरा और मणिपुर को भी स्टेट जो था बना दिया गया था. नॉर्थ ईस्टर्न कंसिल, नॉर्थ ईस्टर्न कंसिल की बात करें तो ये जो कंसिल है दिस द चेंजेस इन द नॉर्थ ईस्टर्न कंसिल वेंट थ्रू कैन बी रीड एज डिमॉन्स्ट्रेशन. ये इंस्टीट्यूशन को फाउंड किया गया था 1971 में, एक एडवाइजरी बॉडी के तौर पे इसे बनाया गया था नॉर्थ ईस्टर्न कंसिल को. कब बनाया गया था, 1971 में बनाया गया था. ये एक एडवाइजरी बॉडी के तौर पे बनी थी. शुरुआत में इसमें जो गवर्नर्स थे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के वो इसके मेंबर्स बनाए गए थे एंड देयर बी रिमेनिंग एज. तो जब हम बात करते हैं कि गवर्नर्स इसके मेंबर्स थे तो गवर्नर कौन होता है, वो एक तरह से आईज एंड ईयर्स ऑफ द सेंटर के होते हैं, वो डायरेक्शंस पे काम कर रहे होते हैं सेंटर के. फिर ओरिजिनल इसको जो ओरिजिनल प्लेज टू मेड सिक्योरिटी, यहाँ पे जो प्राइमरी कंसर्न शुरुआत में था वो सिक्योरिटी था. 2002 में इसमें जो है अमेंडमेंट्स किए गए और फ्रॉम एक एडवाइजरी रोल इट बिकेम एन इंफ्रास्ट्रक्चर. पहले जहाँ हम कह रहे हैं इसका सिर्फ एडवाइजरी रोल था, तो अब 2002 में जब इसमें अमेंडमेंट की गई तो यहाँ पे इसको बना दिया गया एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग बॉडी के तौर पे. एडवाइजरी से इसको बना दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग बॉडी के तौर पे. सिक्किम वाज आल्सो ब्रॉट इनटू इट्स फोल्ड में लाया गया एंड सिग्निफिकेंटली इट्स एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर एक्सपैंडेड टू इंक्लूड द चीफ मिनिस्टर ऑफ दीज स्टेट्स. जब हम कह रहे हैं शुरुआत में इसमें सिर्फ गवर्नर्स लिए जाते थे, गवर्नर्स इसके मेंबर्स होते थे, लेकिन बाद में 2002 में जब इसमें अमेंडमेंट की गई तो इसका जो एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर से एक्सपैंड किया गया, उसमें चीफ मिनिस्टर्स भी इंक्लूड किए गए इन स्टेट्स के, लिंकिंग इट टू द एस्पायरेशन ऑफ लोकल इलेक्टोरेट्स. तो जो स्टेप्स नॉर्थ ईस्ट को लेके उठाए गए उसमें हमने देखा कैसे 6 शेड्यूल से हमने शुरुआत की थी, उसके बाद हमने नॉर्थ ईस्टर्न कंसिल बनाई विद रिस्पेक्ट टू देम. उसके बाद अब एक सेपरेट डेडिकेटेड मिनिस्ट्री है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, दैट इज़ द डोनर मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. तो इसे क्रिएट किया गया यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा 2001 में एंड इन 2004 इसको अपग्रेड किया गया था फुल फ्लेज मिनिस्ट्री के तौर पर 2004 में से बनाया गया, जिसका नाम डोनर है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. तो इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है वो बॉर्न होती है और उसका जो स्टेटेड ऑब्जेक्ट है लुक ईस्ट पॉलिसी का उसमें यही है कि जो नॉर्थ ईस्ट उसे लिंक किया जाए विद अ वाइब्रेंट इकोनॉमीज जो साउथ ईस्ट एशिया के हैं उनके साथ. 2010 में एक प्रोटेक्टेड एरिया रेजीम जो रिस्ट्रिक्ट कर, पहले ये था कि फॉरेनर्स को अलाउड नहीं थी विजिट द नागालैंड मणिपुर एंड मिजोरम, तो वो जो था उसे उस कंसेप्ट को भी जो है रिलैक्स किया गया 2010 में. प्रोटेक्टेड एरिया रेजीम दैट रिस्ट्रिक्ट विजिट टू नागालैंड मणिपुर मिजोरम बाय फॉरेनर्स दैट वॉज रिलैक्स कर दी गई. ऑल दो अनसक्सेसफुल, लेकिन एक जुडिशल कमीशन बिठाया गया था 2004 में जिसे जो कि रिकमेंड करे कि किस तरीके से अफ्सपा एक्ट जो है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट उसको रिपील किया जा सके और अगर रिपील नहीं किया जा सकता तो कैसे उसे ह्यूमनाइज ह्यूमन मोर ह्यूमन इन अप्रोच बनाया जा सके. जो न्यू ऑप्टिमिज्म था दैट वॉज पेलेबल एंड इंडीड इट वुड नॉट बी अनरीजनेबल टू प्रिज्यूम दिस वॉज अ मॉरल इमेजिनेशन ऑफ जॉन पॉल Lidrack at work, resulting in the visible ebbing of many insurgencies in the region today. नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पोस्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पिन कोड की बात करें. जैसे अभी कंट्री जो है 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहा है तो इसी के साथ ही जो हमारा ये पिन कोड है ये 50 ईयर्स का हो चुका है. इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑल्सो अचीव अनदर माइल स्टोन, द पिन कोड एन इनएलिनेबल पार्ट ऑफ पोस्टल एड्रेस टर्न 50 दिस ईयर. पिन कोड इंट्रोड्यूस किया गया था अगस्त 15, 1972 में. उसे लाया गया था जिससे कि जो मेल ईज किया जा सके मेल सॉर्टिंग को एंड पिन कोड नैरो डाउन डिलीवरी टू स्पेसिफिक पोस्ट ऑफिसर्स. इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी, तो अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की बात उनके अकॉर्डिंग ये है कि देवर 23,344 पोस्ट ऑफिसर्स प्राइमरी इन अर्बन एरियाज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया. कितने थे, 23,344 पोस्ट ऑफिसर्स
वर्किंग इन द अर्बन एरियाज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया. एज अ कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ी टू कीप द ग्रोइंग रैपिडली, सो पोस्टल नेटवर्क हैड टू कीप पेस विद देम. एंड द पिन कोड वॉज मेंट टू ईज द प्रोसेस. तो पिन कोड का जो उद्देश्य है वो यही है कि जो प्रोसेस है मेल्स वगैरह का, इसको सॉर्ट आउट ईजिली किया जा सके, डिलीवरी रहे इजी हो सके कंट्री में, क्योंकि बहुत सारी जगहों के सिमिलर नेम्स होते हैं. तो उनको कैसे इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, डिलीवरी मैकेनिज्म को ईजी बनाने के लिए पिन कोड इंट्रोड्यूस किया गया था. जो पिन कोड है वो 6 डिजिट्स का होता है. जो फर्स्ट नंबर होता है वो इसमें पोस्टल रीजन को इंडिकेट कर रहा होता है. जो फर्स्ट नंबर है वो पोस्टल रीजन इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि नॉर्थन है, सदर्न है, ईस्टर्न, वेस्टर्न. और नंबर 9 सिग्निफाई करता है आर्मी पोस्टल सर्विस को. सेकेंड नंबर डिनोट करता है सब रीजन को. और थर्ड जो है वो डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करता है. जो रिमेनिंग नंबर्स है वो नैरो डाउन वो स्पेसिफिक पोस्ट ऑफिस लोकेशन जो है उनको डिनोट कर रहे होते हैं. अब ये जो पिन कोड लाया गया था, ये इनिशिएटिव किसका था? तो पर्सन बिहाइंड दिस इनिशिएटिव वाज श्री राम बिकाजी वेलांकर. एडिशनल सेक्रेटरी थे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड अ सीनियर मेंबर ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ बोर्ड में. वेलांकर जो थे ये संस्कृत पोइट थे एंड ही वाज कन्फर्ड प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर संस्कृत, इन्हें दिया गया था 1996 में. अमंग वेलांकर्स 105 बुक्स एंड प्लेज इन संस्कृत, द विलोम काव्य इज कंसिडर द मास्टर पीस है ये इनका. विलोम काव्य जो है वो इन्होंने वेलांकर ने ही लिखी थी, विच कम्प्राइज वर्सेज इन प्रेज ऑफ लॉर्ड राम वेन रीड फ्रॉम वन साइड एंड वर्सेज डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्ण वेन रीड फ्रॉम बैक साइड. सो ये जो इनका इनका वर्क है विलोमा काव्य, इसमें लॉर्ड राम और लॉर्ड कृष्ण की जो है वो उनके प्रेजेस से कंप्राइजेस है ये बुक. वेलांकर सेट अप देववाणी मंदिरा विच वर्क टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए. अवेयरनेस के लिए इन्होंने एक सेटअप की थी देववाणी मंदिरम. एंड ही वॉज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड फिलेटेलिक एग्जीबिशन कॉल्ड इंडेक्स विच वॉज हेल्ड इन डेली इन 1973 एंड फीचर 120 कंट्रीज़.